हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केमिकल बनाने वाली कंपनी के बारे में, जिसका बिजनेस बहुत शानदार है। आने वाले टाइम में जो है फ्यूचर में ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। कंपनी एक्चुअली केमिकल बनाती है जिनका यूज होता है लिथियम आयन बैटरीज बनाने में, और जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड रहने वाली है तो ये लिथियम आयन बैटरीज का यूज जो है ज्यादा होने वाला है। तो सीधा सीधा जो है इस केमिकल कंपनी को जो है प्रॉफिट बहुत शानदार होने वाला है, और कंपनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है केमिकल बनाती है। अभी छोटी कंपनी है, पिछले सालों में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसके बिजनेस में जो है बहुत ही दम है, और ये बिजनेस जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अभी आपके पास टाइम है कि इस स्टॉक में जो है आप एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी कुछ इसी तरीके का है जैसे आपने सिम्फनी देखा होगा, जब 4 रुपए पर था तो कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया तो वो जो है बहुत अच्छा रिटर्न सिम्फनी ने जनरेट करके दिया। इसी तरीके की ये भी कंपनी है, अभी अच्छे वैल्यूएशन पर हमें अवेलेबल है। अभी अगर अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को अगर आप ऐड करेंगे तो ये स्टॉक 5 से 10 सालों में आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना के देने वाला है, क्योंकि 2022 से जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। उस समय ये कंपनी जो है बहुत तेजी से जो है दौड़ने वाली है, इसका स्टॉक का प्राइस भी बहुत तेजी से जो है बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स बता देता हूं, उसके बाद जानते हैं इसका नाम, शेयर होल्डिंग पैटर्न और चार्ट पर देखते हैं कि किस लेवल पर हमें एंट्री करना चाहिए। तो मार्केट कैप देखिए 4,464 करोड़ का है, करंट प्राइस देखिए 106 रुपए का चल रहा है, 52 वीक हाई देखिए 154 रुपए का बनाया है, 52 वीक लो जो बनाया है 91 रुपीज का बनाया है, डिविडेंड यील्ड जो है 0.09% का है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.26 का, यानी कि 1 से कम है, ये भी अच्छा है कंपनी के लिए, 1 से कम होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 48.93% का है, ऑलमोस्ट 49% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, ये भी अच्छा है, और एक भी शेयर कंपनी नहीं है, ये भी कंपनी का प्लस पॉइंट है, और कंपनी के पास कैश अमाउंट भी अच्छा खासा जो है पड़ा हुआ है 1,635 करोड़ का, और टोटल कर्जा जो है कंपनी के ऊपर 429 करोड़ का है। तो कंपनी को एक्सपांड करने के लिए कंपनी के पास पैसा अच्छा पड़ा हुआ है, तो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से जो है कंपनी ग्रो कर सकती है। तो ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर देखें तो कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। अब जानते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, रिजल्ट कैसे रहे हैं इसके, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो है इतना अच्छा नहीं रहा है कंपनी का, इसीलिए जो है कंपनी में अच्छी खासी जो है गिरावट हुई है। सेल्स देखिए 587 करोड़ से 583 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 133 करोड़ से 123 करोड़, यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है गिरावट हुई है, लेकिन अगर आप एक क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 124 करोड़ से 123 करोड़, यानी कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो इससे देखते ही आपको पता लगेगा इसका फाइनेंशियल ट्रेंड जो है फ्लैट चल रहा है। पिछले एक साल में जो है इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है, तो सीधा सा बात है नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आएगी, 84 करोड़ से 72 करोड़ का है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 71 करोड़ से 72 करोड़ का है। तो ओवरऑल देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है फ्लैट चल रहा है, जिसके कारण कंपनी में अच्छी खासी जो है गिरावट आ रही है। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सेल्स देखिए 1,968 करोड़ से 2,377 करोड़ का सेल्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 450 करोड़ का 522 करोड़ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% से 22% का है, और नेट प्रॉफिट देखिए आप 243 करोड़ से 307 करोड़ का, यानी कि ईयर ऑन ईयर जो है इसलिए पिछले साल में यानी कि 2018 के बाद से 12 महीनों के अंदर 307 करोड़ का जो है प्रॉफिट किया है इस कंपनी ने। तो कंपनी में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ अच्छा है 18.50%, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है 11.43%, लेकिन आरओई 6.76% का, आरओई थोड़ा कम है। आप सोच रहेंगे कि मैं आपको ये कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको बताने का ये रीजन है कि इसके फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं है, और जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है मार्केट पर
चलने मार्केट में आएंगे, डिमांड ज़्यादा होगी और रोड्स पर ज़्यादा चलने चालू होंगे, उस समय जो है इस कंपनी को बहुत अच्छा जो है एडवांटेज होने वाला है। उस समय ये आरओई अगले 10 साल में आपको ये आरओई जो है लगभग 15-20% का मिलने वाला है। तो आप लोग जो है इस कंपनी में अभी गोल्डन चांस है कि एंट्री कर सकते हैं। एंट्री किस लेवल पर करनी है वो भी मैं आपको चार्ट पर बता दूंगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा आप, बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व देखिए, 1635 करोड़ का है टोटल असेट्स कंपनी का देख लेते हैं, 2786 करोड़ का है कैश फ्लो देख लेते हैं, पॉजिटिव है। कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूं और फिर इस कंपनी का क्या एडवांटेज है वो भी हम एक बार देख लेंगे, उसके बाद जानेंगे इसके रिटर्न और शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स बनाती है। और मैं आपको ये स्टॉक सजेस्ट क्यों कर रहा हूं उसका रीजन ये देखिए आप, लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री टू ड्राइव ग्रोथ फॉर हिमाद्री केमिकल्स। द लिथियम आयन बैटरी स्पेस इज हीटिंग अप वर्ल्ड वाइड एज द रेस टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल विच रिलाय ऑन दिस बैटरीज हीट्स अप सप्लायर्स टू दिस स्पेस इन कॉपर एंड कॉपर कंपोनेंट्स एज वेल एज कार्बन कंपोनेंट्स आर सेड टू सी ग्रोथ एज द इंडस्ट्री बिल्ड्स मोर मैच्योर एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स। हिमाद्री केमिकल हैज बीन गेनिंग ट्रैक्शन अमंग एनालिस्ट ओवर रिसेंट मूवर टू सप्लाई द लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री HSCL करंटली अ मार्केट लीडर इन कोलतार पिच स्पेस विद अ 70% मार्केट शेयर हैज फोकस्ड टिपिकली ऑन स्पेशलिटी केमिकल दैट आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स पेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन स्पेस। तो कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, एडवांस कार्बन मटेरियल भी बनाती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अलावा भी इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है, इसके केमिकल्स टायर बनाने में भी यूज होते हैं और भी बहुत सारा है। आप देखिए ये HSCL has now turned to advanced carbon material space. This area, according to analysts, is growing rapidly. The material is now being used for nodes in lithium-ion batteries. Lithium batteries are the key energy source for mobile phones, लैपटॉप्स एंड अदर बैटरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये काम आता है यहाँ पे। बैटरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो भी बैटरी लगेगी वहां पर जो है इसके केमिकल का यूज होने वाला है। तो इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आप देखेंगे इसके रिटर्न देखिए, पिछले 10 साल में जो है 311% का रिटर्न बनाया है इसने, और स्मॉल कैप की कंपनी है, इंडस्ट्री पी से भी अभी सस्ता मिल रहा है आपको। उसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए आप, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 106.35 रुपए का चल रहा है इसका। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 48.93% का है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और पब्लिक FIs प्लस DIs की होल्डिंग देखेंगे तो 51.07 का है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और म्यूचुअल फंड स्कीम में देखिए आप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड ग्रोथ ने जो है इसके कितने सारे शेयर ले रखे हैं। उसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड डायरेक्ट प्लान ने भी इसके इतने जो है शेयर ले रखे हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है, ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, ओवरऑल फंडामेंटल देखें तो इसके स्ट्रांग लग रहे हैं। अब अगर हम देखें इसका चार्ट पर देखते हैं तो ये मैंने मंथली चार्ट पर इसका चार्ट लगा रखा है। करंट प्राइस जो है 105 रुपए का यहाँ दिखा रहा है अभी। और अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करके देखें तो इसका जो बेस्ट बाइंग लेवल आ रहा है वो आ रहा है 95 रुपीज से 114 रुपए के बीच में, यानी कि अभी भी इस रेंज के बीच में चल रहा है। आपको इस स्टॉक में अच्छे खासा अगर अमाउंट लगाना है तो अभी जो है अमाउंट लगा सकते हैं आप,
95 से 114 रुपए के बीच में आपके पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके अगर हम देखें तो आप देखिए कौन सा लेवल आ रहा है जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो लेवल आ रहा है ये वाला। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें अगर हम तो आप देखिए ये लेवल आ रहा है इसका, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग इसका लेवल आ रहा है लगभग 121 रुपए के आसपास में। जिस टाइम भी ये 121 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे देगा वहां पर ये स्टॉक बहुत तेजी से जो है भागने वाला है। तो फिर मैं आपको बता देता हूं 95 से 114 के बीच में आप जितनी खरीदारी स्टॉक में करना चाहते हैं कर सकते हैं, अभी आपके लिए चांस है। तो आपको अगर बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो आपको 5 से 10 सालों में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।